नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। मोहम्मदगंज दो प्रखंड के जनता काशी सोत्र डैम का पर्यटन स्थल का किए मांग। मोहम्मदगंज प्रखंड के बहुचर्चित काशी सोत्र डैम का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने को लेकर हैदरनगर और मोहम्मदगंज प्रखंड के कई गांव के लोग शुक्रवार को काशी सोत्र डैम स्थल जुटे। गोड़ानेही पंचायत के मुखिया पंचम खां की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से समाजसेवी सहजीव प्रत्याशी पुत्र अश्विनी कुमार सिंह, कांग्रेस के विधानसभा मीडिया प्रभारी मुजीबुद्दीन खान उर्फ गुड्डू सहित कई लोग उपस्थित होकर काशी सोत डैम के मुनहारी दृश्य को देखकर पर्यटन स्थल कराने व डैम के आसपास पार्किंग व लाइट की व्यवस्था कराने पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुखिया पंचम खां ने ग्रामीणों के बीच में कहा कि अगर सरकार व प्रशासन का इस काशी सोत डैम पर ध्यान रहे तो यह क्षेत्र काफी विकसित होगा। समाज सेवी अश्विनी सिंह ने कहा कि इसे लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त पलामू व राज्य के पर्यटन मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलकर स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी से अवगत कराएंगे। बैठक में किसान इंजीनियर गुलाम सरवर ने बताया कि अगर गोड़ाडीही पंचायत के लोग चाहे तो इसे स्थानीय स्तर पर भी विकसित किया जा सकता है। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मेहताब आलम, कैश सिद्दीकी, धनु चौधरी, नसीर अहमद, रघुनाथ रजवार, मनोहर खान, महिपाल प्रसाद, नसीर अहमद सहित काफी संख्या में कई गांव के ग्रामीण उपस्थित होकर पर्यटन स्थल के लिए आंदोलन होने की बात कही। आज हम लोग मोहम्मदगंज प्रखंड के गोराडी पंचायत के काशी सोत डैम पे गोराडी पंचायत की जनता और मोहम्मदगंज के सारे लोग एकत्रित हुए हैं। दिनांक 5 जनवरी को दिन बुधवार को उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में एक पर्यटन समर्थन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें हमने देखा कि पांकी क्षेत्र से और भीम चूल्हा हुसैनाबाद कंस्टिट्यूएंसी का मात्र एक भीम चूल्हा संचालन समिति का उसमें शामिल किया गया था। तो हम लोगों को लगा कि हमारे यहाँ हुसैनाबाद कंस्टिट्यूएंसी में काशी सोत एक ऐसा जगह है जिसमें टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ 1 जनवरी को छठ महापर्व के दिन हमने देखा कि लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग, अगल बगल 20-30 गांव के लोग यहाँ छठ महापर्व के लिए आते हैं। यहाँ बोटिंग की व्यवस्था हो सकती है, 9 वर्ष पर लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। अतः माननीय उपायुक्त महोदय से और हम अपने क्षेत्रीय विधायक कमलेश कुमार सिंह जी से भी आग्रह करेंगे, माननीय सांसद विष्णु दयाल राम से भी आग्रह करना चाहेंगे कि इसको देख के पर्यटन के क्षेत्र में प्रस्तावित कर स्टेट में भेजने का काम करें। इसके लिए यहाँ की जो जनता है उनका सदा आभारी रहेगी। धन्यवाद। गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन, 400 कुर्सी का एसी हॉल, अन्य 100 कुर्सी का 2 हॉल, 4 AC डिलक्स रूम, 5 डिलक्स रूम, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, 1600 लोगों को एक साथ मीटिंग करने की सुविधा, मैरिज लॉन, बुकिंग के लिए संपर्क करें उत्सव गार्डन कचहरी रोड बिजली ऑफिस के सामने गढ़वा।